गोरखपुर के डोहरिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्राइवेट स्कूल के चौकीदार राजकुमार का शव स्कूल के अंदर ही मिला। ग्रामीणों ने राजकुमार के खून से लथपथ शव को देख आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि राजकुमार स्कूल में रात को सोने के लिए गया था। सुबह स्कूल के प्रबंधक ने आकर पूरी घटना की जानकारी दी। 6 बजे घर से खाना खा के यहाँ आ गए थे, रोज रात को आते थे, लेकिन कल शाम को एक दिन था तभी चले आए। क्या नाम था इनका? राजकुमार तिवारी। कहाँ रहने वाले? डोहरिया वासदेव। डोहरिया वासदेव भाई, मतलब यहीं पर कौन काम करते थे? यही सोते थे गार्ड की, जिसका प्रबंधक था उन रखे थे देखने के लिए। कब आप लोग को पता चला? सुबह में वही प्रबंधक आए थे तो जब जैसे अंदर हले देखे तुरंत हमारे घर गए। वही सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गए हैं। अजनी थाना अंतर्गत दोहरिया गांव है। दोहरिया गांव में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल बन रहा है। उस स्कूल में राजकुमार तिवारी नामक एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो चौकीदारी का काम करता था, रात के किसी समय कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। जो प्रथम दृष्टया मौके पर देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें स्कूल के डॉक्यूमेंट को खंगालने के चक्कर में वो पहचान गया इनको, जिसके नाते उन्होंने इनकी हत्या कर दी है। मृतक की उम्र लगभग 70 वर्ष है और कोई चूंकि धन या कोई लूट का मसला नहीं वहाँ पर, मात्र ये कोई डॉक्यूमेंट लेने का मामला है जिसमें वो नहीं पाए, उस गुस्से में उसकी हत्या कर दी है। ये बेसिकली हत्या का मामला है। इस पर पुलिस साक्ष्य जुटा रही, जल्दी इसमें वर्कआउट करके पर्दाफाश कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।